तव कथामृतम तप्त जीवनम कविभिडीरितम कल्मषापहम श्रवणमंगलम श्रीमदाततम भुवि गृणन्ति ये भुरिदा जनाः। अभी कई दिनों से चर्चा हो रहा था कि ईश्वर के ओर बढ़ना चाहिए। त्यागी भक्तगण वो तो पूर्ण गति से जा सकते हैं, उनका कोई संसार का दायित्व नहीं है। लेकिन जो गृहस्थ भक्तगण है, संसारी भक्तगण है, उनके लिए क्या करणीय है वही हम लोग चर्चा कर रहे थे। व्हाट इज द प्रिस्क्रिप्शन फॉर देम। क्योंकि ज़्यादा ईश्वर की ओर जाने से संसार रखना मुश्किल है, और ज़्यादा संसार की ओर जाने से भगवान भी दूर चले जाएंगे, वह संकट है। वो कैसे आगे बढ़े ये दिखाने के लिए ही इतना प्रसंग चल रहा था। ठाकुर ने अभी कह रहे हैं कि केशव चंद्र सेन जब प्रार्थना कर रहे थे, उन्होंने बताया कि भक्ति नदी से हमें डुबकी लगा देना चाहिए। जब प्रार्थना समापन हुआ, मैंने उसको बताया अगर तुम भक्ति नदी से डूब जाओगे तो पर्दा का उस पर जो तुम्हारे परिवार वर्ग है उनको कौन देखभाल करेगा, अतः तुम्हारे ऊपर संसार का बोझ पड़ा हुआ है, संसार छोड़ के तो जा नहीं सकोगे। तो संसार में रहते हुए अगर भगवान में डुबकी लगाओगी तो संभव नहीं होगा। तो व्हाट इज द वे आउट, ये ठाकुर का अभिनव संयोजन। तो एक काम करो, एक कर्म करो, तो कभी कभी भक्ति नदी में डूब मारो, डुबकी लगाओ, और कभी कभी आड़ाई उठेशो, कभी कभी किनारा में बैठ के सूखा जगह में रह जाओ, ये हमारा समाधान है। तो इन प्रैक्टिकल टर्म्स ठाकुर क्या निर्देश दे रहे हैं वो हमें अभी व्याख्यान करना जरूरी है। ठाकुर कहा करते थे जी संसार में जनक राजा के जैसे होना चाहिए। जनक राजा महा तेजा तार बकी से छिलो त्रुटि से एदिक ओदिक दूदिक रेखे खेल छिलो दूधर बाटी। जनक राजा को उदाहरण दिया था, दिया जाता है, वो राजर्षि थे, राजा चो ऋषि चो, एक ओर से अत्यंत दक्ष प्रजा शासक, दूसरे ओर से ब्रह्मज्ञ, सुखदेव का गुरु है जनक राजा, और दक्ष प्रशासक है जनक राजा का, राजत्व सर्वजन विदित है। तो ठाकुर कहते हैं जनक राजा बोली होलो ना, जनक राजा बहुत ये संसार भी किया, भगवान को भी प्राप्त किया एक साथ, लेकिन जनक राजा पहले अनेक तपस्या करके मन को ईश्वर में तल्लीन किया, उसके बाद ही संसार किया। उसी अनुसार ठाकुर कह रहे हैं
कि श्मशान में रहने के लिए बीच बीच में एकांतवास का जरूरत है। ये सन्यासी और समसरी को दोनों डेफिनेट अलग रास्ता है। सन्यासीगण एक साथ भगवान को भजन करेंगे एवं तल्लीन होकर भगवान भजन करेंगे, तल्लीन होकर कर्म करेंगे, लेकिन संसारी के लिए नहीं है। इट नॉट ए साइमल्टेनियस अप्रोच, इट इज ऑल्टरनेट अप्रोच, वन आफ्टर द अदर। जब ठाकुर ने बताया कभी कभी डुबकी लगाओगे, कभी कभी उठ के आओगे, सब हंसने लगा, ये हंसने के बाद नहीं है। गंभीर ध्यान से इसको देखना पड़ेगा। यही प्रैक्टिकल सल्यूशन ठाकुर ने बताया, अभिनव स्वर्णिम समाधान, जिसके बारे में मास्टर मशाय का द्वितीय दर्शन में ठाकुर ने बता दिया था। याद रखिएगा, मार्च 1882 मास्टर महाशय जब द्वितीय दर्शन किया था तब उनने पूछा, महाशय क्या उपाय है ईश्वर लाभ के संसारियों के लिए, क्या उपाय है? ठाकुर ने चार उपाय बताया। प्रथम, साधु संग करना। द्वितीय, बीच बीच में एकांतवास करना। तृतीय, सदा सदा विचार करना। एवं चौथा, व्याकुल होकर प्रार्थना करना। बस तीन का पहले से निर्देश था कि संसारियों के लिए बीच बीच में एकांतवास अत्यंत जरूरी है। वो बार बार कहा करते थे, अगर संसार में कामिनी कांचन के भीतर से हरदम रहने से मन विषय रस में सिक्त हो जाता है, तो मन को विषय मुक्त करने के लिए बीच बीच में एकांतवास अत्यंत जरूरी। एवं एकांतवास में समय बर्बाद नहीं करना चाहिए। वहाँ पर आप सदा सदा विचार करोगे, कौन रहने वाला है, टिकने वाला है और कौन जाने वाला है। विचार करने से पता चलेगा ईश्वरी सत है जो बराबर रहने वाला है, बाकी सब असत है, परिवर्तनशील है। तो विचार करने के लिए मन को अवसर देना पड़ेगा, दिन रात संसार में रहने से नहीं होगा। इसीलिए ठाकुर कहते हैं कभी कभी संसार छोड़ के कुछ दिन के लिए रहना पड़ेगा। हरदम संसार में रहने से ये संसारी के लिए चलेगा नहीं, होगा नहीं। अभी हम समझ में आ रहे हैं क्यों ठाकुर बार बार गृह भक्तों के लिए एकांतवास का निर्देश दिया था। एकांतवास में जाके क्या करना है वो भी बता दिया, व्याकुल होकर प्रार्थना करना, सदा सदा विचार करना। यही समाधान सूत्र बताया जो कि हल्कापन से ना लिया जाए। ये विषय बहुत जटिल है, इतना आसान नहीं है। संसारियों के लिए ईश्वर लाभ करना आसान नहीं है, लेकिन असंभव नहीं है। अगर ठाकुर के उपदेश, ठाकुर के पंथा अनुसरण करते हुए हम आगे बढ़े तब ईश्वर लाभ अनिवार्य है, अवश्य होगा, प्रोवाइडेड वी फॉलो हिज काउंसिल। उनका जो पद्धति है वो अगर अनुसरण करें, बहुत साइंटिफिक पद्धति बताया, क्योंकि सब आदमी सोचा मजाक कर रहे केशव के साथ, बिल्कुल नहीं। भक्ति नदी से आप्लुत भी होना पड़ेगा एवं कभी कभी
संसार का कर्म भी करना पड़ेगा। तभी बीच में अर्थात वन आफ्टर द अदर अल्टरनेटली एक साथ संसार एवं ईश्वर नहीं हो पाएगा। संसार में दैनंदिन जो हमारे नित्य कर्म है उसमें संसार का कर्म करना, में साधन भजन करना, हम लोग सोचते हैं कि दैनंदिन जो संसार में रहते हुए साधन भजन जप ध्यान करते वही वही पर्याप्त है। संसार को कर्म, संसार का कर्म करना एवं ईश्वर का आराधना करना संसार में हरदम रहते हुए नहीं हो पाएगा, क्योंकि हमारा गलती हो जा रहा है। मोस्ट ऑफ द पीपल थिंक संसार में रहते हुए हम तो सुबह शाम साधन भजन करते हैं, संसार का कर्म करते हैं, वो पूरा नोजन नहीं। ठाकुर कहते हैं बीच बीच में संसार छोड़ के मन को पक्का करो। कितना उदाहरण से बताया, पानी और दूध एक साथ रख देने से मिल जाएगा, अलग नहीं कर पाओगे। मन दूध है, संसार पानी है। अगर मन को संसार में छोड़ दोगे दूध और पानी एक साथ मिल जाएगा। तो क्या बताया उसमें, दूध को मंथन करके दही बनाओ और दूध को पहले दही बनाओ और दही को मंथन करके मक्खन बनाओ। मक्खन अगर पानी में डालोगे भीलेगा नहीं। तो पहले मन रूपी दूध को निर्जन स्थान में जाके उनको हिलाने डुलाने से दही भी नहीं बनेगा, कुछ समय छोड़ दो। जैसे दूध बनता है, दही बनता है, थोड़ा उसमें ईस्ट दिया जाता है और छोड़ दिया जाता है कुछ समय, तो दूध दही बन जाएगा। वैसे ही मन में भगवान रूपी जो ईस्ट रहता है वो अगर देंगे कुछ समय छोड़ने से दही बनेगा। वो दही का मंथन करना पड़ेगा, मतलब निर्जन स्थल में जाके उनको सदसद विचार करना पड़ेगा। विचार करने से वो मक्खन बन जाएगा, तब वो संसार में डालने से कभी मिलेगा नहीं। ये प्रक्रिया तो करना जरूरी है, यही ठाकुर का विचार है कि संसार में रहते हुए अवश्य भगवान लाभ होगा, लेकिन उसके लिए कभी कभी निर्जन वास अनिवार्य जो है, जो कि भक्तगण का कभी भूलना नहीं चाहिए। ये नहीं है भक्तगण निर्जन वास नहीं करते, एकांत वास नहीं करते हैं, लेकिन एकांत वास में जाके समय बिल्कुल बर्बाद नहीं करना चाहिए, क्योंकि आचार होता है। तो हम लोग एकांत वास करते हैं दैट वी हैव मेरिट हॉली डेयरिंग एंड साइट सीइंग। कोई जगह में जाकर ही हम लोग लिस्ट करते हैं क्या क्या दर्शनीय चीज़ है, इस समय में हम क्या क्या दर्शन कर सकते हैं, हाउ टू एंजॉय आवर लाइफ। भगवान लाभ इतना आसान नहीं है, ठाकुर चेतावनी दे रहे हैं। संसार के बीच में संसार से हट के निर्जन वास करना है, उस समय में सदसद विचार करना। हम तो कभी कभी छुट्टी लेके आते हैं लेकिन वहाँ पर और भी विषय कर्म में लिप्त हो जाते हैं, इट बिकम्स काउंटर प्रोडक्टिव। नुकसान किसका है, भक्तगण का है। फैसिलिटीज तो है, दैट बीन मिस यूज, दुरुपयोग होता है। जब भक्तगण आते हैं कोई आश्रम में रहने के लिए, जब उनको कहा जाता है यहाँ पर दो तीन दिन अब एकांत वास कर लिए आइए, साधन भजन करिए, नाराज़ हो जाते हैं।
अरे हम लोग 2-3 दिन आए हैं, हम लोग खुद साइट सीइंग करेंगे, इधर उधर जाएंगे, ये क्या बोल रहे हैं आप? कास्ट में जो दूसरा व्यक्ति साधन बाधन करने के लिए आया, उनका जीवन विघ्नित हो गया। एक जगह खिचड़ी जो जीवन हम लोग जी रहे हैं, इसी करके हला फेला करने से, हल्कापन से लेने से कुछ नहीं होने वाला है। हम ही लोग अपना जीवन को व्यर्थ कर देते हैं, ये नहीं होना चाहिए। हम लोग याद आना चाहिए, याद रखना चाहिए कि भगवान श्री राम कृष्ण अपने जीवन में गृह एवं सन्यासी होते हुए प्रमाण कर दिया कि गृह गण को जैसे सन्यासी गण का जैसे ईश्वर लाभ संभव, गृह गण के जैसे ईश्वर लाभ भी संभव, प्रोवाइडेड ठाकुर का पंथ अनुसरण करें। ईश्वर का भी आराधना करें, संसार में भी कर्म करें, मन को ईश्वर में पैर ईश्वर के पैर में वो स्थिर रखते हुए। ठाकुर के इस प्रसंग और भी आगे बढ़ाते हुए अगले दिन विस्तार करेंगे। ओम शांति 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 हरि ओम तत्सत श्री राम कृष्णार्पणमस्तु। आज शुक्रवार का अवसर है, सुबह 10 बजे से शारदा संघ का क्लास, माँ की मधुर स्मृतियाँ एवं शाम को संधारित्र की पुराण पतंजलि योग सूत्र का प्रवचन मेरा रहेगा, यूट्यूब में दिखाया जाएगा, लाइव स्ट्रीमिंग होगा। आप सबका स्वागत है, अच्छे रहिए, स्वस्थ रहिए, आनंद में रहिए। नमस्कार।